गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ टाइम फॉर चैप्टर 19, सिंपल फ्यूचर टेंस। द सिंपल फ्यूचर और इंडेफिनिट टेंस टेल्स अबाउट अ सिंपल एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। सिंपल सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, सिंपल फ्यूचर को। एंड ये बताते हैं कि जो भी एक्शन होगा वो फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर का बताते हैं, आने वाले समय का। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद शैल और विल। इसमें विल और शैल हेल्पिंग वर्ब होती हैं एंड उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी। शैल के साथ आई और वी का यूज़ किया जाता है। विल इज यूज्ड विद ऑल अदर सब्जेक्ट एंड विल बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे विल स्पीक टू अस टुमोरो। वो मुझसे कल बात करेंगे। द मैसेज विल ले द फाउंडेशन। देखिए, कोई भी अगर सब्जेक्ट कुछ भी हो, विल लगेगा। सिर्फ देखिए, शैल सिर्फ तभी लगेगा जब आई हो या वी हो, बाकी कोई सा भी हो सब्जेक्ट आप विल ही लगाना है। ही विल रिसीव अ रिवार्ड टूडे। देखिए, ही विल रिसीव अ रिवार्ड टूडे। वो आज रिसीव करेगा रिवार्ड, जो उसे अवार्ड मिलेगा वो उसे रिसीव करेगा, उसे लेगा। आई शैल वोट फॉर हिम। मैं उसे वोट करूँगी। देखिए, आई के साथ क्या लग गया, शैल। ये आपको याद रखना है, आई एंड वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। क्लियर? और कुछ नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज है। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, विल और शैल के बाद नॉट आ जाएगा। जैसे दे विल नॉट स्पीक टू अस टुमोरो, विल के बाद नॉट आ गया। द मेसन्स विल नॉट ले द फाउंडेशन, नॉट विल के बाद नॉट आ गया हेल्पिंग वर्ब के बाद। ही विल नॉट रिसीव अ रिवार्ड टूडे, विल के बाद नॉट आ गया। आई शैल नॉट वोट फॉर हिम, कि मैं उसे वोट नहीं करूँगा। देखिए, शैल और विल के बाद नॉट लगा देंगे तो आपका अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस, शैल एंड विल आर अबाउट इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। इफ देयर इज ए क्वेश्चन वर्ड, इट अपीयर्स एट द हेड ऑफ द सेंटेंस। इनके विल और शैल स्टार्टिंग में लगेगा जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगी, यही उस सेंटेंस की हेड होगी। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, दे स्पीक टू अस टुमोरो। हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट और बाकी का पूरा सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल द मैसेज ले द फाउंडेशन, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई और बाकी का पूरा सेंटेंस यूं ही लिख दिया। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ विल और शैल जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आगे आ जाएगी, बाकी पूरा सेंटेंस इसी तरीके से लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एंड ये देखिए, अगर क्वेश्चन वर्ड है जैसे व्हाट, विच, व्हेन, हु, हूम, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके बाद सेंटेंस लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे व्हाट विल यू अंडरस्टैंड वेल, व्हेन शैल वी चेंज दिस फर्नीचर। तो क्या हेल्प क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख करके पूरा सेंटेंस लिख देंगे या क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए, ऐड द गिवन वर्ब टुगेदर विद शैल और विल। विल और शैल लगा करके आपको वर्ब फिल करनी है। वर्ब देखिए यहाँ पर दी हुई है, तो ही के साथ क्या लगेगा, विल। ही विल वॉच ए फिल्म टुमोरो। कामना, कामना के साथ भी विल लगेगा। कामना विल वर्क इन अ टेलीविजन शो। यू विल बाय बुक्स फ्रॉम दैट शॉप। अ प्रिटी गर्ल विल डांस ऑन द स्टेज आफ्टर सम टाइम। देखिए, सभी में क्या करना है, विल लगाना है। सिर्फ हम विल हमने बताया था कहाँ पर लगेगा, शैल आई और वी के साथ, तो बाकी सब अदर के साथ शैल लगेगा। तो रंधावा विल ट्रेन फॉर बॉक्सिंग। ए कॉक विल क्रो इन द मॉर्निंग। भानु विल टेक द गिफ्ट्स फ्रॉम द कपबोर्ड। आई शैल, आई आ गया तो आई के साथ क्या आएगा, शैल। आई शैल टेक अ ब्लाइंड मैन अक्रॉस द रोड। द डॉक्टर विल एग्जामाइन द पेशेंट्स कीनली। तो क्या करें, सब में विल और शैल हमें देख करके लगाना है किसके साथ विल आएगा और किसके साथ शैल। अब देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव एज शोन। सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव बनाना है। तो ए बेबी विल नॉट क्रॉल ऑन द फ्लोर। अब पहले ये सेंटेंस है, अ बेबी विल क्रॉल ऑन द फ्लोर, विल के बाद नॉट आ जाएगा। ए बेबी विल नॉट क्रॉल ऑन द फ्लोर। एंड जब हम क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो वेयर विल ए बेबी क्रॉल। देखिए,
द वाटर विल फ्लो फ्रॉम दिस स्ट्रीम. द वाटर विल नॉट फ्लो फ्रॉम दिस स्ट्रीम. विल नॉट आ गया. अब इंटरोगेटिव बनाए विल द वाटर फ्लो फ्रॉम दिस स्ट्रीम एंड लास्ट में क्या होगा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पर. इसी तरीके से बाकी सभी सेंटेंस आपको बनाने हैं. नेगेटिव में क्या करना है विल के बाद नॉट लगाना है. इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ड आगे लिखनी है और पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है. ये जो 3 और 4 है ये आपको अपने आप करने हैं एंड नोटबुक में नोट करना है. योर चैप्टर इज कम्प्लीट.